आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है व्हाट इज अ डिसिप्लिन, शास्त्र क्या है। एक्चुअली जब हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं या थियरी ऑफ डिसिप्लिन पढ़ते हैं या फिर इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या ओरिजिन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन की टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, तो फिर वही समस्या हमारे सामने आती है कि ये सारी समस्याएं वेबस्टर डिक्शनरी में क्या लिखा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या लिखा है, वहां से शुरू होती है। डिसिप्लिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? लेकिन भारत में एक शब्द प्रचलित है जिसको हम इसके अर्थ के रूप में प्रयोग करते हैं, शास्त्र। तो शास्त्र क्या है? मुझे लगा कि मुझे अपनी चर्चा की शुरुआत भारतीय संदर्भ से करनी चाहिए और फिर हम उस संदर्भ की ओर आएंगे जो पुस्तकीय संदर्भ डिसिप्लिन का है। तो मैं जब शास्त्र की बात करता हूं तो शास्त्र की भारतीय अवधारणा के अनुसार शास्त्र शब्द जो है वह शास धातु से बना है जिसका अर्थ अनुशासन होता है और इसमें स्ट्रन प्रत्यय जोड़ा गया है। तो शास धातु में जब स्ट्रन प्रत्यय जोड़कर हम शब्द का निर्माण करते हैं तो वह शास्त्र शब्द होता है और शास्त्रों में कहा गया है शासनाता शास्त्रम, शासन करने वाला होने से शास्त्र कहलाता है। अर्थात यदि धार्मिक अर्थों में हम इसके अर्थ की अवधारणा देखें तो जहां धर्मों का अनुशासन अनुशीलन किया जाता है, जहां धर्मों का पालन कराया और करवाया जाता है, उन नियमों को शास्त्र के अंतर्गत कहते हैं। आपने कहावत में भी सुना होगा कि ये पाप का व्यवहार शास्त्र सम्मत नहीं है। तो यहां पर शास्त्र दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक तो अनुशासन के अर्थ में और दूसरा उस अनुशासन का पालन कराने वाले नियम जिन ग्रंथों में, जिन पुस्तकों में, जिन उपनिषदों में लिखे हैं वह भी शास्त्र कहलाते हैं। इसलिए शास्त्र भारत में एक व्यवस्था का नाम है, इसलिए केवल इसको हम अगर यदि शासनात शास्त्रम के रूप में ही माने तो ऐसा नहीं है। इसके दो अर्थ हैं, शासनात शास्त्रम और संसनात शास्त्रम। शासनात शास्त्रम मतलब जो नियमों विधियों आदि को बताने वाला, आदि का पालन कराने वाला ग्रंथ होता है वह शासनात शास्त्रम के अंतर्गत आता है। वहीं संसनात शास्त्रम अर्थात किसी गूढ़ तत्व का संसन प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ जैसे वेद वेदांत, यह भी शास्त्र कहलाते हैं। तो भारतीय परंपरा में भी, भारतीय अवधारणा में भी शास्त्र के दो स्वरूप प्रचलित हैं, एक वे ग्रंथ जो विधियों का नियमों का पालन कराते हैं वे शासनात् शास्त्रम कहलाते हैं, लेकिन साथ ही जो किसी गूढ़ तत्व का दर्शन का अर्थ ढूंढने में हमारी मदद करते हैं, जो सत्य को खोजने में हमारी मदद करते हैं, ऐसे दर्शन और ऐसे ग्रंथ भी शास्त्र कहलाते हैं। तो भारतीय परंपरा में शासनात् शास्त्रम और संसनात् शास्त्रम दोनों अर्थों का प्रयोग किया गया है। इसके विषय में निरुक्त में बड़ा अच्छा एक कथन है, नैक शास्त्रम धीयानो गच्छति शास्त्र निर्णयम् पारावर्या वित्सुतु खलु वेदित्रशु भूयो विद्य प्रशस्यो भवति। नैक शास्त्रम धीयानो गच्छति शास्त्र निर्णयम्, अर्थात केवल एक शास्त्र को पढ़कर ही शास्त्र का निर्णय प्राप्त नहीं किया जा सकता। पारावर्या वित्सुतु खलु वेदित्रशु भूयो विद्य प्रशस्यो भवति, अपितु जो विविध प्रकार के शास्त्रों को सम्यक रूप से जानता है, उनको समझ लेता है, जो भूयो विद है वही शास्त्र के रूप से प्रशंसनीय है। भूयो विद कौन है? भीयो भूयो विद का मतलब है जो बहुत सी विद्याओं का ज्ञाता हो, अर्थात विद्याएं शास्त्रों को समझने का मार्ग है। भारत में बहुत प्रकार की विद्याओं की बात की गई है, चूंकि आज का ये विषय नहीं है इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे, परंतु यदि आप भारतीय ग्रंथों को देखें और वेद वेदांगों को देखें तो उस समय तो विद्या ही शब्द का प्रयोग हुआ है, शिक्षा शब्द का प्रयोग तो बहुत लंबे समय तक संस्कृत के ग्रंथों में हुआ ही नहीं है। और जहां भी ग्रंथों में शिक्षा शब्द का प्रयोग हुआ है वहां शिक्षा की बात की जाती है एक पद्धति के रूप में, जैसे उच्चारण कैसे हो तो ये शिक्षा के अंतर्गत आता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रूप में केवल शिक्षा की बात की गई है, परंतु जो सीखना है, जो जानना है, जो जानकर आगे बढ़ना है, जो जानकर किसी में हमें निपुण होना है वो विद्या की बात की गई है। तो शास्त्र कहा जाता है कि विद्या से भी उच्च है, अर्थात बहुत विद्याओं का ज्ञाता होकर ही व्यक्ति शास्त्र के वचनों को, शास्त्रों में जो लिखा है उसको समझने का प्रयास हमें करना चाहिए, ऐसा निरुक्त में लिखा है।
तो यदि हम इन सारी भारतीय परंपरा की जो अवधारणाएं हैं इनको देखें तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा में शास्त्र जो होता है, डिसिप्लिन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, हालांकि डिसिप्लिन शास्त्र के समान शब्द नहीं है, कि शास्त्र का एक आधार होता है, उसका एक दर्शन होता है, उसकी विधियां होती हैं और उसका स्वतंत्र स्वरूप होता है। शास्त्र के अपने नियम होते हैं, गणित के अपने नियम हैं, विज्ञान के अपने नियम हैं, सामाजिक विज्ञानों के अपने नियम हैं। इसी प्रकार शास्त्र में गूढ़ता होती है, डेप्थ होती है, शास्त्र हैज सर्टेन डेप्थ, और उनको समझने के लिए यू नीड डिफरेंट विद्या, आपको विभिन्न प्रकार की विद्याओं की आवश्यकता होती है। शास्त्र केवल एक विद्या को जानने से नहीं सीखे जा सकते। यदि ये शास्त्र है तो डिसिप्लिन क्या है? अब मैं बात करता हूं उसकी जो भारतीय परंपरा से भिन्न है, जिसके बारे में आप पढ़ते पढ़ाते हैं और जिसके बारे में आपको पढ़ना सुविधाजनक लगता है, वह शब्द है डिसिप्लिन। व्हाट इज अ डिसिप्लिन? यदि हम इसके एटमोलॉजिकल मीनिंग की बात करें, अर्थात इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो लैटिन भाषा में दो शब्द हैं। वन वर्ड इज डिसिपुलस, जिसका मतलब है प्यूपिल, शिष्य, और दूसरा शब्द है डिसिप्लिना, जिसका अर्थ है टीचिंग। तो यदि डिसिपुलस और डिसिप्लिना से डिसिप्लिन की उत्पत्ति हम माने तो हम ये कह सकते हैं, जैसा कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है, इट इज अ ब्रांच ऑफ लर्निंग ऑन नॉलेज, ज्ञान की एक शाखा, सीखने की, अधिगम की एक शाखा, यह डिसिप्लिन है। अर्थात ज्ञान के विविध स्वरूप हो सकते हैं, इसलिए ज्ञान के विविध डिसिप्लिन, विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान आपको प्राप्त करना हो सकता है। तो जब हम वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन की बात करते हैं, वहां शास्त्र शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन वे जिस शास्त्र या जिस डिसिप्लिन की बात करते हैं, दैट डिसिप्लिन इज अ ब्रांच ऑफ लर्निंग और नॉलेज, सीखने या जान ज्ञान की एक शाखा के रूप में यह इसका शब्द नाउन के रूप में प्रयोग होता है। कई जगह डिसिप्लिन को हम वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं, तो जब हम डिसिप्लिन को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहां शब्द प्रयोग होता है, इट मींस ट्रेन टू ओबे रूल्स और कोड ऑफ बिहेवियर, जो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग जब अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन की बात करते हैं तो उसके वर्ब वाले फॉर्म में चले जाते हैं, कि व्यवहार का एक नियम या नियमों का पालन कराना, उसके लिए किसी को प्रशिक्षित करना, जिसमें कहते हैं ना, कक्षा में हम विद्यार्थियों को अनुशासित रखेंगे, डिसिप्लिन्ड क्लास होनी चाहिए, क्लास में बड़ा इनडिसिप्लिन है, ये बच्चा डिसिप्लिन्ड नहीं है। वहां जब हम डिसिप्लिन शब्द प्रयोग करते हैं तो वो डिसिप्लिन एक वर्ब के फॉर्म में प्रयोग होता है, जबकि यहां आज हम जिस डिसिप्लिन की बात करें, जिसको कई बार हम लोग एकेडमिक डिसिप्लिन भी कहते हैं, यह डिसिप्लिन नाउन के फॉर्म में है, जो एक ब्रांच ऑफ लर्निंग और नॉलेज, जो सीखने या ज्ञान की एक शाखा के रूप में है। तो आज हम लोग इसी वाले अर्थ पर अपनी बात आगे बढ़ाएं। आइए देखते हैं डिसिप्लिन को कैसे परिभाषित किया गया है। डिसिप्लिन की एक परिभाषा जॉन वॉल्टन ने दी 1963 में, और अगर ये डेफिनेशन हम देखें तो उन्होंने कहा, व्हाई डिसिप्लिन आई मीन अ बॉडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर मेड अप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स एंड थियोरीज सो ऑर्डर्ड दैट इट कैन बी डिलीबरेटली एंड सिस्टमैटिकली टॉट, अर्थात संप्रत्ययों, तथ्यों, सिद्धांतों से बना एक ऐसा विषय क्षेत्र की संरचना जो बहुत क्रमबद्ध है, ऑर्डर्ड है, और जिसको सिस्टमैटिकली और डिलीबरेटली, अर्थात क्रमबद्ध ढंग से और ठीक प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, उसे डिसिप्लिन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉल्टन, डिसिप्लिन इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज मेड अप ऑफ कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स एंड थियोरीज, सिद्धांतों, संप्रत्ययों और तथ्यों से बना एक ऐसी संरचना, एक ऐसी विषय वस्तु की संरचना जो बहुत क्रमबद्ध हो, जिसको ठीक प्रकार से सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाया जा सकता हो, उसे डिसिप्लिन कहते हैं। आइए डिसिप्लिन की एक और डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन प्रोफेसर एम एस यादव और टी के एस लक्ष्मी ने अपने एक आर्टिकल में लिखी है। डिसिप्लिन रेफर्स टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी, अ ब्रांच ऑफ नॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ सर्टन डिस्टिंक्टनेस इट रिवील्स
इन इट्स सब्सटेंस एंड मेथोडोलॉजी, अर्थात एक ऐसा विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र, ज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके कुछ विशिष्ट अभिलक्षण हो, सर्टेन डिस्टिंक्टनेस हो, विशिष्टता हो, वह इसकी विषय वस्तु सब्सटेंस और इसकी मेथोडोलॉजी विधि दोनों में वह विशिष्टता परिलक्षित होती हो। इसको समझने का प्रयास करिए। गणित एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी है जिसकी अपने लक्षण है, जिसकी अपनी विषय वस्तु है, जिसके अपने पढ़ने पढ़ाने के तरीके हैं। सामाजिक विज्ञान, उनकी अपनी विषय वस्तु है, उनकी अपनी विशिष्ट प्रकार की विधियां हैं, उनका अपना ज्ञान का एक विशिष्ट क्षेत्र है। विज्ञान उनका अपना एक ज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र है। तो ऐसे स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी जिसमें तीन चीजें हो, एक तो उसमें डिस्टिंक्टनेस हो, दूसरे उसका सब्सटेंस और उसकी मेथडोलॉजी में डिस्टिंक्टनेस हो और वो ऑर्गेनाइज्ड हो, उसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। यह डिसिप्लिन की डेफिनेशन प्रोफेसर यादव की है। एक और डिसिप्लिन की बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो डोगेन ने दी। उन्होंने कहा, द टर्म डिसिप्लिन रेफर्स बोथ द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स इन एजुकेशनल प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल्स, एंड टू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स इन नॉलेज प्रोडक्शन। तो इन्होंने डिसिप्लिन शब्द के दोनों अर्थों की बात की। एक जो विद्यालय में शैक्षणिक कार्यक्रम है उनमें डिसिप्लिन रहे, जो डिसिप्लिन आप अनुशासन से लेते हैं, और दूसरा ज्ञान के निर्माण की ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, संगठनात्मक इकाई, उसको भी डिसिप्लिन कहा गया। तो डिसिप्लिन के दोनों अर्थों को डोगेन ने स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो डोगन की डेफिनेशन हो, बोल्टन की डेफिनेशन हो, प्रोफेसर यादव की डेफिनेशन हो, अगर इन सारी डेफिनेशंस को हम एनालाइज करें और ये निकालने की कोशिश करें कि ये सारी परिभाषाएं कहती क्या हैं, डिसिप्लिन वास्तव में है क्या, तो एक चीज निकल कर आती है कि डिसिप्लिन इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विद लॉजिकल स्ट्रक्चर, एक तार्किक स्वरूप, तार्किक संरचना के साथ ज्ञान का एक संगठित आकार, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जो है वह डिसिप्लिन है। दूसरी बात जो डिसिप्लिन के बारे में कही जाती है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशंस व्हिच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग अ बॉडी ऑफ फैक्ट्स, अर्थात तथ्यों की एक संरचना के मध्य संबंधों की व्याख्या करने के लिए जिन संप्रत्ययों या जिन सामान्यीकरणों का हम प्रयोग करते हैं, उनका एक नेटवर्क, उनका एक संजाल, यह डिसिप्लिन है। मींस अ डिसिप्लिन हैज अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशंस, बट ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशंस हैव समथिंग कॉमन और देयर इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशंस, सो दे आर ऑल इंटरवूवन अराउंड अ बॉडी ऑफ फैक्ट्स। फिर अगर हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो कहते हैं इट इज अ कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर्स विच कॉन्स्टिट्यूट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में कुछ संप्रत्यात्मक संरचनाएं होती हैं जो डिसिप्लिन का निर्माण करती हैं। तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होने के साथ साथ एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डोमेन, अ मेथड एंड अ ट्रेडिशन, जिसका अपना एक क्षेत्र होता है, जिसकी अपनी निश्चित विधियां होती हैं और जिसकी एक परंपरा होती है। तो जब हम ज्ञान, विधियों, परंपराओं और विषय क्षेत्रों से जुड़े एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तब हम ये कहते हैं कि हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन परिभाषाओं और उपभाषाओं से निकला यह निष्कर्ष डिसिप्लिन शब्द के मूलभूत अर्थ को स्पष्ट करने में आपको सहायता करेगा। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। डिसिप्लिन के जब हम लक्षणों की बात करते हैं, जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि डिसिप्लिन्स हैव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, दो द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मे बी शेयर्ड विद अनदर डिसिप्लिन, कि प्रत्येक डिसिप्लिन का अपना एक शोध का निश्चित क्षेत्र उद्देश्य होता है। जैसे बॉटनी में हम प्लांट्स, वो हमारा एक ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है। लीगल स्टडीज में लॉ, हमारा अपना ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है। सोशल साइंसेज में सोसाइटी,
हमारा अपना एक ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है। पॉलिटिकल साइंस में, सिविक्स में पॉलिटिक्स हमारा एक ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है। तो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च हर डिसिप्लिन का होता है जो उसका विशिष्ट होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि केवल उसी डिसिप्लिन के लोग उस पर स्टडी करेंगे। सोसाइटी पर केवल सोशल साइंसेज वाले, सोशियोलॉजी वाले स्टडी करेंगे ऐसा नहीं है, एजुकेशन वाले भी स्टडी कर सकते हैं, लॉ वाले भी स्टडी कर सकते हैं। तो हर एक डिसिप्लिन का अपना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च होता है, यद्यपि उस ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च को दूसरे डिसिप्लिन भी शेयर करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिसिप्लिन हैव अ बॉडी ऑफ एक्यूमुलेटेड स्पेशलिस्ट नॉलेज रेफरिंग टू दियर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च विच इज स्पेसिफिक टू देम एंड नॉट जनरली शेयर्ड विद अनदर डिसिप्लिन। भले ही ऑब्जेक्ट दूसरों के साथ शेयर हो जाए, लेकिन जो डिसिप्लिन की अपनी स्पेशलिस्ट नॉलेज है, साइंस की अपनी स्पेशलिस्ट नॉलेज है, मैथमेटिक्स की अपनी स्पेशलिस्ट नॉलेज है, सोशल साइंस की अपनी स्पेशलिस्ट नॉलेज है, तो ये जो अपनी स्पेशलिस्ट नॉलेज होती है ये हर डिसिप्लिन की अपनी स्पेसिफिक होती है, और कई बार वो अन्य डिसिप्लिन के साथ हम शेयर नहीं करते। दूसरा, हर डिसिप्लिन के अपने सिद्धांत और अपने संप्रत्यय होते हैं। डिसिप्लिन हैव थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स दैट कैन ऑर्गेनाइज द एक्यूमुलेटेड स्पेशलिस्ट नॉलेज इफेक्टिवली। क्योंकि हर एक डिसिप्लिन की, मैं कह रहा हूं, स्पेशलिस्ट नॉलेज होती है, तो ये स्पेशलिस्ट नॉलेज हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? हम इस स्पेशलिस्ट नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं विभिन्न सिद्धांतों और संप्रत्ययों की मदद से। तो हर एक डिसिप्लिन के अपने कुछ सिद्धांत और संप्रत्यय भी होते हैं। हर डिसिप्लिन की अपनी कुछ विशिष्ट टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ विशिष्ट टेक्निकल लैंग्वेज होती है, जिसके आधार पर ही हम उन विषयों को, उन शास्त्रों को पहचान लेते हैं। कई बार देखिए, जो विज्ञान की अपनी शब्दावली, यदि एक सामान्य व्यक्ति से आप विज्ञान की शब्दावली प्रयोग करके बात करते हो, कहता नहीं विज्ञान ये साइंटिस्ट की तरह बात मत करो, साइंस हमने नहीं पढ़ी, हमसे सामान्य भाषा में बात करो। इट मींस कि साइंस की अपनी टर्मिनोलॉजी है, गणित की अपनी टर्मिनोलॉजी है, सोशल साइंस की अपनी टर्मिनोलॉजी है, लॉ की अपनी टर्मिनोलॉजी है, लिटरेचर की अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो हर डिसिप्लिन की अपनी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है और टेक्निकल लैंग्वेज होती है। हर डिसिप्लिन की अपनी हिस्ट्री होती है, वो डिसिप्लिन कैसे बना, कैसे उदय हुआ, कौन से मूल डिसिप्लिन थे जिससे उस डिसिप्लिन का उदय हुआ, क्या कई डिसिप्लिन ने मिलकर वो डिसिप्लिन बनाया, या किसी एक मूल डिसिप्लिन से जब बहुत सारे डिसिप्लिन विकास होते होते समय के साथ निकले तो उनमें से एक निकला। जैसे जब हम फिलॉसफी एज ए डिसिप्लिन की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो सबसे पुराने डिसिप्लिन हैं उसमें से दर्शन एक है। तो कहते हैं विज्ञान भी दर्शन से निकला, सामाजिक विज्ञान भी दर्शन से निकले, साहित्य भी दर्शन से निकला, ऐसा लोग मानते हैं। इसका मतलब कि विज्ञान पहले नहीं, पहले दर्शन रहा होगा, गणित पहले नहीं, पहले दर्शन रहा होगा, धर्मशास्त्र पहले नहीं, पहले दर्शन रहे होंगे। तो इस प्रकार हर एक डिसिप्लिन की अपनी हिस्ट्री होती है कि वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, और हर एक डिसिप्लिन के अपने रिसर्च मेथड्स होते हैं जो विशिष्ट रिसर्च, जो उसकी स्पेसिफिक रिसर्च रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए जन्म लेते हैं। साथ ही एवरी डिसिप्लिन हैज अ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल फॉलोअर्स हु हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन दैट डिसिप्लिन। यू मे फाइंड पीपल हु आर यू नो वेरी फर्म, हैव वेरी फर्म बिलीव इन साइंस। You may find people who have very firm belief in mathematics. You may find people who have very firm belief in the language or linguistics. और यदि आप उनसे बात करोगे तो वो कहेंगे नहीं, गणित में सब समस्याओं का समाधान है, धर्मशास्त्र में सब समस्याओं का समाधान है, संस्कृत में सब समस्याओं का समाधान है, विज्ञान में सब समस्याओं का समाधान है। तो हर एक डिसिप्लिन के अपने ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स होते हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल फॉलोअर्स होते हैं जो उस विषय को विशिष्ट बनाते हैं। एक मिनट होल्ड करिएगा। और ये उस डिसिप्लिन के इंटेलेक्चुअल फॉलोअर्स ही होते हैं जो वास्तव में उस डिसिप्लिन की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। साइंस और कैसे ग्रो होगी, इसके लिए नई नई रिसर्चेज होती हैं,
नए नए मेथड्स ढूंढे जाते हैं, नए नए फैक्ट्स होते हैं, नए नए इनोवेशंस आते हैं, तो इन सब के लिए नई नई रिसर्चेज होती हैं, और कई बार नई रिसर्चेज डिसिप्लिन को ग्रो करती हैं, और कई बार ये नई रिसर्चेज इस स्तर तक पहुंच जाती हैं कि वो केवल उसी डिसिप्लिन को ग्रो नहीं करती, बल्कि उस डिसिप्लिन में से नए डिसिप्लिन ग्रो हो जाते हैं। मैं अभी उनकी बात करूं तो जैसे मैंने कहा ना, डिसिप्लिन से डिसिप्लिन ग्रो हो जाते हैं, अर्थात इनका इवोल्यूशन होता कैसे है, डिसिप्लिन का उद्भव कैसे होता है, शास्त्रों की उत्पत्ति कैसे होती है, आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। डिसिप्लिन इवॉल्व एंड डिफरेंशिएट कंटिन्यूअसली जस्ट एज द ह्यूमन एफर्ट कंटिन्यूज टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट इन एन इंक्रीजिंगली पेनिट्रेटिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। हम अपने परिवेश को समझने के जो हमारे प्रयास हैं, उसमें हम जितनी गहराई से प्रवेश करते हैं, जितना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से विशद रूप से उसको समझने का प्रयास करते हैं, जैसे जैसे हम उसकी गहराई में उतरते चले जाते हैं, डिसिप्लिन का स्वरूप बढ़ता चला जाता है, और कभी कभी फैलते फैलते वो इतनी शाखाओं और उपशाखाओं में बढ़ जाता है कि दो शाखाओं के बीच स्पष्ट विभेद नजर आने लगता है, और इस प्रकार एक शाखा एक डिसिप्लिन की तरफ चली जाती है और दूसरी शाखा दूसरे डिसिप्लिन को जन्म दे देती है। इसकी प्रोसेस को कुछ जगह समझाया गया है, इसमें कहा गया है कि सबसे पहले तो ज्ञान होता है। व्हाट इज ए नॉलेज? ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का सम टोटल। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे कौशल, हमारे सिद्धांत, हमारे संप्रत्यय, सबसे पहले ये जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये नॉलेज होती है। इस नॉलेज से नॉलेज स्पेशलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, और नॉलेज फ्रेगमेंटेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, अर्थात मानव की क्यूरियोसिटी के कारण और अपने परिवेश को, अपने वातावरण को और गहराई से और विस्तार पूर्वक जानने के कारण हम उसकी विशिष्टताओं की ओर चलते चले जाते हैं, और जैसे जैसे ज्ञान में विशिष्टताओं की खोज होने लगती है, वह खोज कभी कभी इतनी गहराई तक हो जाती है कि वह विशिष्ट क्षेत्रों में फ्रेगमेंटेशन कर देती है, अर्थात बंटवारा कर देती है। उस बंटवारा के कारण नए डिसिप्लिन या सेपरेट एरिया ऑफ नॉलेज जन्म ले लेते हैं, स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज, इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी जन्म ले लेते हैं, कहते हैं इसमें हम अलग तरह का अध्ययन करेंगे, इसमें हम अलग तरह का अध्ययन करेंगे, और फिर हम दो नए डिसिप्लिन को जन्म दे देते हैं। फिर क्या होता है? फिर से उस डिसिप्लिन में डाइवर्सिफिकेशन होता है, फिर उस डिसिप्लिन की स्पेशलाइज नॉलेज डेवलप होती है विद इन दैट डिसिप्लिन, और उसका होने के बाद फिर हम डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं, नए स्पेशलाइज्ड एरियाज को लेकर आते हैं, और फिर नए डिसिप्लिन जन्म लेते हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दर्शन से विज्ञान जन्मा, विज्ञान आगे बढ़ा, विज्ञान की खोजें आगे बढ़ी, तो लोगों ने कहा नहीं, ये मटीरियल साइंस अलग तरह से काम करेगी और जो ह्यूमन या लाइफ साइंसेज हैं वो अलग तरह से काम करेंगी। तो दो डिसिप्लिन साइंस बन गए, फिजिकल साइंसेज एक डिसिप्लिन हो गया, लाइफ साइंसेज एक डिसिप्लिन हो गया। फिर फर्दर स्टडीज हुई, उसमें एरिया ऑफ स्टडीज जन्मे, केवल लाइफ में हम प्लांट्स की अलग स्टडी करेंगे, एनिमल्स की अलग स्टडी करेंगे, तो एनिमल साइंसेज जीव शास्त्र अलग हो गया और प्लांट साइंसेज पादप शास्त्र अलग हो गया। फिर उसमें बॉटनी आ गई, उसमें और बहुत सारे डिसिप्लिन आ गए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इमर्ज हो गए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार होता है, जैसे जैसे ज्ञान में विशिष्टता आती है, वह विशिष्ट अध्ययन के, खोज के, शोध के विशिष्ट तरीकों की मांग करता है, और एक प्रकार के अध्ययन क्षेत्र, एक प्रकार के विषय क्षेत्र या एक प्रकार के शोध के तौर तरीकों वाले क्षेत्र अलग हो जाते हैं, और फिर ये एरिया ऑफ स्टडी न रहकर एक डिसिप्लिन का स्वरूप ले लेते हैं। तो इस तरह से डिसिप्लिन नॉलेज से कैसे जनरेट होते हैं, ये पूरी एक प्रोसेस है। कभी कभी क्या होता है कि ज्ञान की दो या अधिक शाखाएं, कभी कभी ज्ञान की दो या अधिक शाखाएं आपस में जुड़कर, आपस में मर्ज होकर भी एक नए डिसिप्लिन को जन्म देती है। जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंसेस, बायोफिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिकल साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, जैव शास्त्र और रसायन शास्त्र,
तो कई बार जो नए डिसिप्लिन जन्म लेते हैं वो केवल एक ही डिसिप्लिन के भाग होने से नहीं होते, कई बार दो या दो से अधिक डिसिप्लिन एक साथ आकर के मर्ज होते हैं और अपने विशिष्ट लक्षणों को प्रकट करके एक नए डिसिप्लिन को जन्म दे देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा था बायोकेमिस्ट्री या बायो फिजिक्स का, इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन। कभी कभी क्या होता है कि कोई सोशल या प्रोफेशनल एक्टिविटी एक एरिया ऑफ स्टडी हो जाती है, एरिया ऑफ एप्लीकेशन हो जाती है और कई डिसिप्लिन उसमें योगदान करते हैं और फिर वो एक इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी बनकर डिसिप्लिन का रूप ले लेती है। जैसे लॉ एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है लेकिन धीरे धीरे लॉ में साइंसेस भी जुड़ गई, टेक्नोलॉजी भी जुड़ी, हिस्ट्री भी जुड़ी, अर्थशास्त्र भी जुड़ा। बहुत सारी डिसिप्लिन से लॉ ने एक डिसिप्लिन का रूप लिया, अदरवाइज लॉ एक प्रोफेशनल एक्टिविटी थी। एजुकेशन एक प्रोफेशनल एक्टिविटी थी, पढ़ना पढ़ाना एक सामाजिक और व्यवसायिक क्रिया थी, सोशल वर्क सामाजिक क्रियाकलाप था। लेकिन सोशल वर्क को ऑर्गेनाइज्ड मेथड बनाने के लिए, एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी बनाने के लिए, जब उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन एक साथ आए, एजुकेशन को बेहतर समझने के लिए साइकोलॉजी साथ में आई, फिलोसफी साथ में आई, टेक्नोलॉजी साथ में आई, हिस्ट्री साथ में आई, सोशल वर्क को समझने के लिए सोशोलॉजी साथ में आई, हिस्ट्री साथ में आई, ज्योग्राफी साथ में आई, मैनेजमेंट को समझने के लिए इकोनॉमिक्स साथ में आया, कॉमर्स साथ में आया, ह्यूमन साइकोलॉजी साथ में आई। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, कई बार कुछ ऐसे सोशल या प्रोफेशनल एरियाज होते हैं जो इनिशियली डिसिप्लिन नहीं थे लेकिन फिर बहुत सारे डिसिप्लिन के एप्लीकेशन की वजह से वो एक एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट स्टडी बन गए और फिर वो डिसिप्लिन का रूप उन्होंने ले लिया। यह भी एक तरीका है। तीसरा तरीका होता है कि कई बार बहुत सारे डिसिप्लिन किसी एक फील्ड ऑफ एक्टिविटी में कन्वर्ज हो जाते हैं और फिर ज्ञान की दो धाराएं फूट पड़ती हैं और फिर दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, जिसको हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। अभी हम इसकी बात आगे करेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी, ये सब क्या होता है, एक डिसिप्लिन कैसे निर्मित होता है। एक डिसिप्लिन हमेशा डायनामिक होता है। क्या गणित में परिवर्तन नहीं होते, क्या विज्ञान में परिवर्तन नहीं होते, क्या सामाजिक विज्ञान में परिवर्तन नहीं होते, सोचकर देखिए। तो हर एक डिसिप्लिन में परिवर्तन निरंतर होते हैं, सतत गतिशीलता है, सतत विकास है, नए एरिया ऑफ स्टडी जुड़ते चले जाते हैं, नए अध्ययन क्षेत्र जुड़ते चले जाते हैं, नई शोध की अध्ययन की विधियां जुड़ती चली जाती हैं, नए विषय क्षेत्र, नए कंसेप्ट जुड़ते चले जाते हैं। तो डिसिप्लिन हमेशा डायनेमिक होता है और किसी भी डिसिप्लिन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको फर्दर डेवलप करने के लिए उस डिसिप्लिन के फॉलोअर्स शोध करते हैं और उस डिसिप्लिन को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आप बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन देख सकते हैं जो अपने पेरेंट डिसिप्लिन से जन्मे। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था विज्ञानों में, विज्ञान एक पेरेंट डिसिप्लिन है लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, प्लांट साइंसेस, एनिमल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, ये सब कहां से जन्मे, पेरेंट डिसिप्लिन से जन्मे, क्योंकि उनमें फर्दर स्टडी होती चली गई। हर डिसिप्लिन की अपना एक दार्शनिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक आधार या परिप्रेक्ष्य होता है हर डिसिप्लिन का। ऐसा कोई डिसिप्लिन है ही नहीं जिसका अपना दर्शन नहीं हो। विज्ञान की अपनी फिलॉसफी है, सोशल साइंसेस की अपनी फिलॉसफी है, लिटरेचर की अपनी फिलॉसफी है, मैथमेटिक्स की अपनी फिलॉसफी है, उनका अपना इतिहास है, उनके अपने राजनीतिक आधार हैं, किन आधारों पर वे विषय जन्मे, किन कारणों से उन विषयों को आगे बढ़ने का मौका मिला। हर एक डिसिप्लिन में एक डोमेन होता है, एक सब्जेक्ट मैटर होता है जिसके साथ वो डील करता है। हर एक डिसिप्लिन में उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी होते हैं। जैसे साइंटिफिक एंड लॉजिकल, साइंस में और मैथमेटिक्स में हम सिस्टमैटिक स्टडी, लॉजिकल स्टडी की बात करते हैं। यद्यपि दोनों डिसिप्लिन के बीच थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। दूसरी चीज, हर डिसिप्लिन का अपना मेथड या मोड ऑफ इंक्वायरी होता है। कुछ अपने निश्चित नियम होते हैं जिससे ज्ञान की वैधता उस डिसिप्लिन में सुनिश्चित की जाती है। जैसे मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो वहां पर इंडक्टिव डिडक्टिव को एक तरह से हम उसके मोड ऑफ, कॉमन मोड ऑफ स्टडी कह सकते हैं। क्या तो इंडक्शन होगा या डिडक्शन होगा, उसके बिना मैथमेटिक्स में कोई चीज एक्सेप्ट नहीं होती।
साइंस में साइंटिफिक मेथड है, टेस्टिंग होगी, ऑब्जर्वेशन होगा, डेटा कलेक्शन होगा, एनालिसिस होगी, उसके बाद ही वो सिद्धांत स्वीकार्य होगा। हर एक मेथड में, हर एक डिसिप्लिन में किस प्रकार का ज्ञान है, उसी के आधार पर विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो जिस तरह के नॉलेज का स्ट्रक्चर होता है जिस डिसिप्लिन में, उसी तरह के मेथड्स भी उसमें प्रयोग किए जाते हैं। और सामान्यतः ऐसा होता है कि एक डिसिप्लिन के नियम दूसरे डिसिप्लिन पर लागू नहीं होते, परंतु यदि परिदृश्यों में, परिप्रेक्ष्यों में, दोनों विषयों के बीच यदि एक प्रकार के मेथड्स स्टडी हो रहे हों, एक प्रकार के मेथड्स प्रयोग हो रहे हों, तब हम उन मेथड्स को, उन रूल्स को लागू कर देते हैं। तीसरी बात, जैसे मैंने कहा कि हर एक डिसिप्लिन की अपनी हिस्ट्री होती है जो उसके ज्ञान को, उसके सिद्धांतों को और उसके दर्शन को स्पष्ट करती है। आइए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन के, डिसिप्लिन की संरचना होती होती है। जैसा कि अभी तक मैंने कहा, हर एक डिसिप्लिन का न केवल एक डोमेन होता है, वरन हर डिसिप्लिन के अंदर जो थियोरीज होती हैं उनका अपना डोमेन होता है। उन थियोरीज पर ही रिसर्चर्स के इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस होते हैं। तो ये माना जाता है कि डिसिप्लिन में जो डोमेन्स होते हैं उनके दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है सब्सटेंसिव स्ट्रक्चर और दूसरा होता है सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या होते हैं? व्हाट डू मीन बाय सब्सटेंसिव स्ट्रक्चर एंड व्हाट डू मीन बाय सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर? आइए इनकी थोड़ी सी संक्षेप में हम बात करते हैं। जब हम सब्सटेंसिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसी भी डिसिप्लिन में शोध को निर्देशित करने वाले वे विचार जिनके अंतर्गत अंतर संबंध होते हैं, तो इंटर रिलेटेड कनेक्शन ऑफ दोज पावरफुल आइडियाज विच गाइड्स रिसर्च इन दैट डिसिप्लिन। साइंस में अपने आइडियाज हैं कि हमको वेरिफिकेशन करना ही होगा, एक पावरफुल आइडिया है वेरीफेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एक पावरफुल आइडिया है कि अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, वेरीफाइबिलिटी ऑफ द फैक्ट्स नहीं है, तो हम उसको साइंस नहीं मानते कि भाई इसको तो रिपीटेशन भी नहीं हो सकता, इसका वेरिफिकेशन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब वेरिफिकेशन इज एन आइडिया विच इज अ पावरफुल आइडिया विच गाइड्स द होल रिसर्च इन द होल साइंस डिसिप्लिन, राइट? इसी तरह से जो दूसरा है वो है सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर, संरचनात्मक संरचना। इसमें क्या होता है? इसमें ये बातें आती हैं कि जो नए कंसेप्ट्स हैं वो कैसे निर्मित होते हैं किसी डिसिप्लिन में, और कैसे विभिन्न प्रकार के जो ज्ञानात्मक कथन हैं, नॉलेज स्टेटमेंट्स हैं, वे निर्मित होते हैं। सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर की एक और खूबी होती है कि इसकी चिंता मेथड ऑफ थिंकिंग और रीजनिंग होती है, कि उस डिसिप्लिन में चिंतन कैसे होता है, उस डिसिप्लिन में, उस शास्त्र में किस प्रकार के तर्कों का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम चिंतन और तर्क की विधियों की बात करते हैं तब उन्हें हम साइनेक्टिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो हर डिसिप्लिन में सब्सटेंसिव स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। जैसा मैंने कहा था, हर डिसिप्लिन के अपने कुछ स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स होते हैं, ऐसे कुछ क्रिएटिव लोग होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करके अपने डिसिप्लिन की ग्रोथ की बात करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन केवल रेशनल मशीन के प्रोडक्ट्स नहीं है, उन वो बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है जिसके साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और लॉजिकल तीनों तरह के आधार होते हैं, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और तार्किक। ठीक, अब हम देखते हैं डिसिप्लिन का क्लासिफिकेशन। डिसिप्लिन को एक्चुअली बहुत पुराने समय से कई लोगों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया, और इसकी परिभाषा के साथ साथ यदि आप वर्गीकरण देखेंगे तो आपको यूनानी सभ्यता के दौर में भी जाना पड़ सकता है। लेकिन जो सबसे कॉमन, जिसको हम अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो डिसिप्लिन को जनरली पांच हिस्सों में बांटता है। पहले है फाइन आर्ट्स, जिसमें आपकी ड्रामा, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब आ जाते हैं। दूसरे हैं ह्यूमैनिटीज, मनुष्य से जुड़े जितने भी मानव संवेदना से जुड़े विषय हैं, मनोविज्ञान है, आपका भाषाएं हैं,
सब ह्यूमैनिटीज में आ जाती हैं। सोशल साइंसेस में पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, सब सोशल साइंसेस में आ जाते हैं। साइंसेस आप जानते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, सब साइंसेस में आ जाते हैं। बल्कि कंप्यूटर साइंस को हम लोग साइंस डिसिप्लिन में नहीं, मैथमेटिक्स डिसिप्लिन के अंदर ज़्यादा आसानी से रख पाते हैं। साइंसेस में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को रख लेते हैं, मैथमेटिक्स अपने आप में डिसिप्लिन है। तो ये एक क्लासिफिकेशन है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स। आप कोई भी एरिया, आप सब्जेक्ट ले लीजिए, आप उसको कहीं ना कहीं फिट कर ही देते हैं इन डिसिप्लिन्स में। दूसरा क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल के जमाने से चला आ रहा है। अरस्तु ने जब डिसिप्लिन्स को क्लासिफाई किया तो उन्होंने कहा कि उस समय डिसिप्लिन शब्द तो प्रयोग में नहीं था उतना ज्यादा। उन्होंने कहा कि तीन तरह के ज्ञान क्षेत्र होते हैं, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड प्रोडक्टिव। थियोरेटिकल मतलब वे ज्ञान क्षेत्र जो सैद्धांतिक हैं, जैसे इतिहास, धर्म, दर्शन, कुछ ऐसे हैं जो प्रायोगिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, जैसे भाषाएं, टेक्नोलॉजी, सॉरी भाषाएं, विज्ञान, ये सब प्रैक्टिकल है, और प्रोडक्टिव जैसे टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने कहा कि तीन तरह के डिसिप्लिन हो सकते हैं, कुछ थ्योरेटिकल डिसिप्लिन हो सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल डिसिप्लिन हो सकते हैं, और कुछ प्रोडक्टिव डिसिप्लिन हो सकते हैं। उत्पादक हो सकते हैं, कुछ प्रयोगात्मक हो सकते हैं, और कुछ सैद्धांतिक हो सकते हैं। बड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन बिगलन मॉडल प्रचलित है, बेसिकली टू डायमेंशनल है। इन्होंने कहा एक तो डिसिप्लिन को हम डिवाइड कर सकते हैं हार्ड डिसिप्लिन और सॉफ्ट डिसिप्लिन। हार्ड डिसिप्लिन जिनके स्ट्रक्चर में बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं आते, और सॉफ्ट डिसिप्लिन वो होते हैं जो रूप समय के साथ परिवर्तित होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा तरीका इसको क्लासिफाई करने का, कुछ प्योर डिसिप्लिन होते हैं और कुछ अप्लाइड डिसिप्लिन होते हैं। प्योर डिसिप्लिन का मतलब जिनकी अपनी एक फिक्स्ड एरिया ऑफ स्टडी है, जिनका अपना लॉजिक है, जिनका अपना दर्शन है, जिनका अपना विषय क्षेत्र है, और अप्लाइड जो उनके एप्लीकेशन से जन्म। तीसरा इन्होंने कहा दो और तरीके हो सकते हैं इसको क्लासिफाई करने के, नॉन लाइफ और लाइफ। तो ये जो टेबल अभी आप देख रहे हैं अपने सामने, ये टेबल बेसिकली तीनों डायमेंशन को एक साथ रखने, जैसे एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी नॉन लाइफ है, एस्ट्रोनॉमी एक हार्ड डिसिप्लिन है, एस्ट्रोनॉमी एक प्योर डिसिप्लिन भी है। केमिस्ट्री एक प्योर डिसिप्लिन है, एक नॉन लाइफ डिसिप्लिन है, एक हार्ड डिसिप्लिन। हिस्ट्री एक नॉन लाइफ डिसिप्लिन है, यो प्योर डिसिप्लिन है बट सॉफ्ट डिसिप्लिन है, क्योंकि हिस्ट्री रोज बदलती है, आज जो घट गया कल वो इतिहास होगा। मनोविज्ञान सॉफ्ट डिसिप्लिन है, उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है लेकिन प्योर डिसिप्लिन है। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता है, तो लाइफ है, सॉफ्ट है और प्योर। तो कोई भी डिसिप्लिन लाइफ नॉन लाइफ हो सकता है, कोई भी डिसिप्लिन हार्ड या सॉफ्ट हो सकता है, कोई भी डिसिप्लिन प्योर या अप्लाइड हो सकता है। जैसे यहां एग्जाम्पल दिया है हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर लाइफ से रिलेटेड है, हार्ड डिसिप्लिन है, इसकी अपनी एरिया ऑफ स्टडी है, अपना नॉलेज फील्ड है, लेकिन अप्लाइड है, एप्लीकेशन है, यूज होते हैं इसके। हॉर्टिकल्चर से हम बहुत सारी चीजों का उत्पादन सीखते हैं, तो ये प्योर डिसिप्लिन ना होकर एक अप्लाइड डिसिप्लिन कहलाता है। तो जो बिगलन का क्लासिफिकेशन या बिगनल का मॉडल था, वो कहते थे कि डिसिप्लिन केवल हार्ड या सॉफ्ट नहीं हो सकता, डिसिप्लिन केवल लाइफ नॉन लाइफ नहीं हो सकता, डिसिप्लिन केवल प्योर अप्लाइड नहीं हो सकता, हमें एक डिसिप्लिन को डिफरेंट डायमेंशन पर देखना होता है। तो एक डायमेंशन प्योर या अप्लाइड हो सकता है, वही डायमेंशन नॉन लाइफ या लाइफ भी हो सकता है, और वही डिसिप्लिन हार्ड या सॉफ्ट भी हो सकता है। तो ये एक थोड़ी सी डिफरेंट तरह की अप्रोच थी डिसिप्लिन को क्लासिफाई करने की। फिर एक टर्मिनोलॉजी आई, बेसिक डिसिप्लिन एंड अप्लाइड डिसिप्लिन। तो जब हम बेसिक डिसिप्लिन की बात करने लगे, तो ऐसे डिसिप्लिन जिनका अपना नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट था, जो डिस्टिंक्टिव था और जिस यूनिक इन नेचर था, विशिष्ट था, उन डिसिप्लिन को हमने बेसिक डिसिप्लिन कहते। जैसे मैथमेटिक्स एक बेसिक डिसिप्लिन, साइंस एक बेसिक डिसिप्लिन, उनका अपना लॉजिकल स्ट्रक्चर था। जैसे सोशल साइंस एक बेसिक डिसिप्लिन। तो बेसिक डिसिप्लिन की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि ऐसे डिसिप्लिन जिनका अपना एक नेटवर्क ऑफ कंसेप्ट होना चाहिए, जिनका डिस्टिंक्टिव और यूनिक नेचर होना चाहिए, जिनका अपना लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक तर्कपूर्ण, ज्ञान की तर्कपूर्ण संरचना होनी चाहिए,
तो जब हम इनकी बात करते हैं तब हम मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस जैसे बेसिक डिसिप्लिन्स की बात करते हैं। दूसरा है अप्लाइड डिसिप्लिन, अनुप्रयोग, अनुप्रयुक्त संकाय कई बार इसको कहा जाता है। अप्लाइड डिसिप्लिन जो बेसिक डिसिप्लिन की नॉलेज को इस्तेमाल करके हमारे जीवन को आसान बनाने का काम करते हैं। तो डिसिप्लिन वेयर इन द नॉलेज ऑफ बेसिक डिसिप्लिन आर यूज, जैसे बायो इंजीनियरिंग, फिजिक्स की नॉलेज, मैथमेटिक्स की नॉलेज, बायोलॉजी की नॉलेज, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की नॉलेज, बायोलॉजी की नॉलेज, अप्लाइड फिजिक्स, फिजिक्स की नॉलेज, टेक्नोलॉजी की नॉलेज, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंसेस एंड बायोलॉजी। ठीक, तो इस तरह से जैसे जैसे नॉलेज एडवांस होती है, नॉलेज और डिसिप्लिन के नए एरिया इमर्ज होते हैं, और जिनकी जड़ें भले बेसिक डिसिप्लिन में हों लेकिन वो अपने रेलेवेंट एरिया के साथ मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इस तरह से नए अप्लाइड डिसिप्लिन जन्म ले लेते हैं। अब मैं उन तीन महत्वपूर्ण शब्दों की बात कर लेता हूं जो अक्सर हमको कंफ्यूज करते हैं। पहला शब्द है मल्टीडिसिप्लिनरिटी, बहुशास्त्रीयता। द टर्म मल्टीडिसिप्लिनरिटी मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स एज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट कंपोनेंट ऑफ लर्निंग विच अलाउज स्टूडेंट टू वर्क विद इन डिसिप्लिन स्पेसिफिक पैरामीटर एंड अटेन डिसिप्लिन स्पेसिफिक गोल्स। तो जब हम मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात करते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में बहुत सारे डिसिप्लिन का इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन होता है, हर एक डिसिप्लिन का अपना कंपोनेंट होता है। साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, इसमें इतना पोर्शन साइंस कवर करेगा, इतना पोर्शन सोशल साइंस कवर करेगा, ये पोर्शन लिटरेचर से आएगा, ये पोर्शन मैथमेटिक्स से आएगा। सो देयर इज ऑलवेज अ डिस्टिंग्विशनेस और यू कैन से डिफरेंशिएशन। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय गार्नर इन 1995। सो मल्टीडिसिप्लिनरिटी इज व्हाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट गिव्स अ लर्नर टू वेरीड पर्सपेक्टिव, एक ही चीज को विभिन्न परिदृश्यों से देखने का लाभ विद्यार्थी को मिलता है। कंटेंट गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन में रिटेन देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज। मल्टीडिसिप्लिनरिटी की खूबी यह है, बहुशास्त्रीयता का लाभ ये है कि भले ही ये बहुशास्त्रीय संकाय हो, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हो, लेकिन उसमें जो डिफरेंट डिसिप्लिन हैं वो अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रिटेन करते हैं। साइंस अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है, सोशल साइंस या ज्योग्राफी अपनी आइडेंटिटी रिटेन करती है। ये इंटीग्रेटिव इन अप्रोच नहीं होता, अर्थात इसमें इंटीग्रेशन नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग एक सब्जेक्ट प्राइमरी लेवल पर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस। तो ईवीएस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं है, क्योंकि जब हम ईवीएस पढ़ाते हैं तो हम कभी ये नहीं पढ़ाते कि ये साइंस वालों ने कहा, ये सोशल साइंस वालों ने कहा। नहीं, वहां पर साइंस, सोशल साइंस और लिटरेचर सबके आइडियाज का इंटीग्रेशन हो गया, वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं है। लेकिन यदि हम वाटर पढ़ाएं और हम कहें कि भाई साइंस ये कहती है कि वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है, तो वो साइंस कहती है, वो सोशल साइंस नहीं कहती। वाटर के सोर्सेस क्या होते हैं, वो सोशल साइंस कहती है। वाटर की समाज में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, वो सोशल साइंस कहती है। वाटर की कमी से सामाजिक किस प्रकार के बिखराव, भिन्नताएं विकसित होती हैं, वो सोशल साइंस कहती है। सामाजिक संगठन कैसा होता है, वो सोशल साइंस कहती है। लेकिन जल के स्रोत क्या होंगे, वाटर साइकिल क्या होगी, वो पढ़ाएंगे तो वो साइंस वाला पढ़ाएगा। वहां बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन है विद इन द सेम कॉन्सेप्ट, राइट? बट देर आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक साइंस वाले का पर्सपेक्टिव है और एक सोशल साइंस वाले का पर्सपेक्टिव है। दूसरा टर्म इंटरडिसिप्लिनरी है, जो इसके जस्ट अपोजिट है। इंटरडिसिप्लिनरी हेदी जेकब की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, दैट अ नॉलेज व्यू एंड करिकुलम अप्रोच दैट कंसियसली अप्लाइड मेथोडोलॉजीज एंड लैंग्वेज फ्रॉम मोर देन वन डिसिप्लिन टू एग्जामिन अ सेंट्रल थीम, इशू, प्रॉब्लम, टॉपिक और एक्सपीरियंस। किसी विषय वस्तु, मुद्दे, समस्या या अनुभव को एग्जामिन करने के लिए एक से ज्यादा डिसिप्लिन की मेथोडोलॉजी, नॉलेज या भाषाएं जब प्रयोग होती हैं, उनके जो व्यू पॉइंट प्रयोग होते हैं। लेकिन ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है। जब हम इंटरडिसिप्लिनरिटी की बात करते हैं तो इंटरडिसिप्लिनरिटी भी एक से ज्यादा डिसिप्लिन से ड्रॉ होती है, लेकिन यहां पर जो फोकस होता है दैट इज ऑलवेज बियॉन्ड द स्फीयर ऑफ अ डिसिप्लिन, जबकि मल्टी डिसिप्लिनरी में फोकस रिमेन विद इन द स्फीयर ऑफ अ डिसिप्लिन। ये फर्क है इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी।
इसलिए इंटरडिसिप्लिनरिटी जो है वो प्रैग्मेटिक इन अप्रोच है, प्रैग्मेटिक है, उपयोगितावादी है, एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है। डायलेक्टिकल प्रोसेस का मतलब कि अगर एक किसी इशू पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ काम हो रहा है तो कुछ साइंस के लोग भी जुड़े हैं, कुछ सोशल साइंस के लोग भी जुड़े हैं, तो सब लोग एक ही प्रॉब्लम पर, एक ही इशू पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहां डायलॉग होता है, वहां शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस होता है, तो अल्टीमेटली जो इमर्ज होता है वो ना साइंस का रह जाता है ना सोशल साइंस का रह जाता है, बल्कि एक नया एरिया डेवलप होता है। जैसे वॉर साइंसेस, मैं क्यों, युद्ध विज्ञान। अब अगर वॉर की स्टडी किसी ने करनी है तो केवल साइंस वाला भी वॉर की स्टडी नहीं कर सकता, केवल सोशल साइंस वाला भी वॉर की स्टडी नहीं कर सकता, केवल लॉ वाला भी वॉर की स्टडी नहीं कर सकता, लेकिन वॉर की स्टडी में सबका योगदान होता है। ह्यूमन राइट्स का भी योगदान है, साइंस का भी योगदान है, सोशल साइंस का भी योगदान, और वो योगदान इतना इंटीग्रेटेड हो गया है, इतनी इंटीग्रेटिव अप्रोच है, दैट व्हेन यू टॉक अबाउट वॉर यू टॉक अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड इन यूवर से ओके, अ साइंटिस्ट थिंक वॉर शुड बी दिस, इकोनॉमिक्स थिंक वॉर शुड बी दिस, वॉर हैज दिस यू नो इम्पैक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, दिस इम्पैक्ट फ्रॉम सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव, दिस इम्पैक्ट फ्रॉम नेशनलिस्ट परस्पेक्टिव, दिस इम्पैक्ट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस परस्पेक्टिव। नो, वी डोंट define war in different perspective, but we use knowledge from different disciplines to understand the concept of war and the philosophy and science of war, right? So this is an example of interdisciplinarity. This is education. Education is not a multidisciplinary discipline. Education में ऐसा नहीं है कि हमने कुछ science से ले लिया, कुछ philosophy से ले लिया, कुछ psychology से ले लिया, और फिर हमने कहा नहीं, psychology वाले ये कहते हैं। हम learner की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते learner का psychological perspective ये होगा, नहीं, learner is a learner. हम लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स जब डिफाइन करते हैं तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डिफाइन करते हैं, कुछ पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डिफाइन करते हैं, लेकिन हम कभी उनको डिफरेंशिएट नहीं करते, वो सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, मर्ज हो जाती है, ठीक। तो इंटरडिसिप्लिनरिटी में इंटीग्रेटिव अप्रोच होती है। एक तीसरा बड़ा अच्छा टर्म है ट्रांसडिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन से परे जाकर। सो दिस इज बेसिकली अ यूनिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क्स बियॉन्ड डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। जब हम डिसिप्लिन पढ़ते पढ़ते, डिसिप्लिन का इस्तेमाल करते करते, डिसिप्लिन से आगे सोचना शुरू कर देते हैं, तब ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। तो ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी से भी आगे की है, क्योंकि मल्टीडिसिप्लिनरी बहुत बेसिक है कि हमने डिफरेंट डिसिप्लिन से कुछ चीजें ले ली, इंटरडिसिप्लिनरी तक आते आते हमने उनको मर्ज कर दिया, ब्लेंड कर दिया। बट व्हेन वी थिंक बियॉन्ड ब्लेंडिंग, देन वी कम ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक। तो ये बेसिकली खूबी क्या है मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी में, सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ट्रांसडिसिप्लिनरी रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में होता है। रियल लाइफ सिचुएशन को जब हम एक्सप्लेन करने लगते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स की जब हम बात करने लगते हैं जो वास्तविक परिस्थितियों में हमारे काम आने वाली हैं, तो फिर हम उन स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, हम उनकी बात नहीं करते कि हमें विज्ञान वाला सिखाएगा या जीव विज्ञान वाला सिखाएगा। तो यहां पर कोलेबोरेशन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कोलेबोरेटिव एफर्ट होते हैं, एंड अल्टीमेटली द नॉलेज इमर्ज एज एन यूनिट, एक इकाई के रूप में फिर ज्ञान का उदय इस अप्रोच के अंदर होता है। तो ये एक चार्ट है, इसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करें कि जब हम शास्त्रीय ज्ञान की बात करते हैं तो वो अपने आप में एक डिसिप्लिन है, उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। मल्टी डिसिप्लिनरिटी में क्या है कि विभिन्न दो या अधिक शास्त्र एक साथ आ गए हैं, बहुशास्त्रीय, बहुशास्त्रीयता, मल्टी डिसिप्लिनरिटी। तो इस बहुशास्त्रीयता में बहुत सारे शास्त्रों के, बहुत सारे डिसिप्लिन की चीजें आ जाती हैं, लेकिन वो अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखती हैं। इंटरडिसिप्लिनरिटी में क्या होता है कि डिफरेंट डिसिप्लिन अपनी अप्लाइड नॉलेज को शेयर करते हैं और उनके बीच जो कॉमन चीजें निकल कर आती हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी या अंतः शास्त्रीयता के रूप में इमर्ज होती हैं। और जब इससे हम परे पहुंच जाते हैं, डिसिप्लिन के बियॉन्ड सोचना शुरू कर देते हैं, डिसिप्लिन के इंटीग्रेशन, एमलगेशन, मिक्सिंग से ऊपर उठकर सोचने लगते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस के सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन के नॉलेज को अप्लाई करते हुए, बिना ये सोचे कि इसमें डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव कौन सा है, किस डिसिप्लिन का है, कितना है, कहाँ से आया, इसमें विज्ञान कितना लगेगा, इसमें सोशल साइंस कितना लगेगा, इसमें गणित कितना लगेगा, तो फिर वो ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाती है।
तो मुझे लगता है कि मैंने आज कोशिश की एक कठिन विषय को आपको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन है ये अक्सर समस्याएं उत्पन्न करता है विद्यार्थियों के समक्ष, और हम लोग कई बार उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं लेकिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ नहीं पाते। तो मुझे लगा कि हमें थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए जिससे मैं ये एक्सप्लेन कर सकूं कि डिसिप्लिन क्या है। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।